मानव समाचार मानवता के हक में। मालेगांव महानगर पालिका के जो नागरिक है वो हमारे पास कंप्लेंट्स लेके आए थे और ऐसा नहीं हुआ कि किसी सियासी लोगों ने इसके बारे में कोई आवाम के ताल्लुक से कोई कामकाज किया। लोगों को इतनी तकलीफ बढ़ गई, लोगों को तकलीफ देते हुए हमें ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 80% जो हमारे पवार साहब का जो है एम जो है 80% समाजकरण 20% राजकरण, जिसमें हम 80% समाजकरण का काम करते हैं, और महानगर पालिका में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक भी कॉरपोरेटर नहीं है, इसलिए हमें अपोजिशन का किरदार अदा करना पड़ता है। आवाम के बोलने पर आवाम ने हमें कहा, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए, हमने निवेदन दिया। जो आप रोड्स देख रहे मालेगांव शहर की, ऐसी रोड है कि चाइना काम होता है, लेकिन चाइना का जैसे आइटम होता है उस तर्ज पे चाइना के आइटम जैसा रोड टूट जाता है, रातों रात बनता है, दूसरे दिन टूट जाता है। आज आगरा रोड आप देखिए, दवे गांव से लेकर के बस स्टैंड तक क्या हालत है, लोग चल नहीं पा रहे। ऐसे ही मालेगांव शहर के जो दीगर इलाकों के रोड्स है उसकी भी पोजिशन ऐसी है कि लोगों की जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं, जो डिस्क है, वो खसक जा रही है। गटरों का पानी रोड पे है, नल में पानी खराब आ रहा है, और जो कॉरपोरेशन के जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे मलेरिया टाइफाइड जैसी बीमारी, डेंगू जैसी बीमारी शहर में आम हो गई है, तो दवा का छिड़काव नहीं होता है। तो आज और आपने देखा कि अतिक्रमण शहर में घटने की बजाय बढ़ रहा है, और जो मालेगांव शहर में सिविल इंजीनियर बन करके नौजवान आ गए हैं, तो मालेगांव महानगर पालिका में रहने वाले उन नौजवानों को जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, मैं माइनॉरिटीज़ का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ, इसलिए मैंने कहा कि माइनॉरिटीज़ के लोगों को काम पे रखना चाहिए, नौकरी देना चाहिए। और कमिश्नर साहब से मिलने के बाद हमें ऐसा लगा, ऐसी उम्मीद है हमें कमिश्नर साहब से कि वो काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जो हमारे जो काम है इमीजिएट जो हमने उनको दिया है वो इमीजिएट किए जाएंगे। उन्होंने प्रेस नोट निकालने का भी कहा है, और जो भ्रष्टाचार का मामला है, जो भ्रष्टाचार बार बार की कोई एक ही पार्टी भ्रष्टाचार का विषय उठाती है, तो वो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है उसका भी खुलासा कमिश्नर साहब हमें राइटिंग में लिख करके देने वाले हैं। और फिर आगे हमें क्या करना है, मालेगांव शहरियों के लिए, मालेगांव शहरियों के लिए ही हम काम करेंगे, और मालेगांव शहर जब लोग जब हमको याद करेंगे हम उनके लिए कमर बस्ता रहेंगे, और ऐसे काम हम कमर बस्ता होकर के करते रहे। और अली अकबर हॉस्पिटल का भी साहब ने बताया, आप तो थे अंदर, तो मैं आपके मानव समाचार के माध्यम से ही कहना चाहता हूँ, अली अकबर को ICU वार्ड बनाने का काम कमिश्नर साहब ने वादा किया। वाड़िया हॉस्पिटल में भी उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द आपको दिखेगा कि ये काम मैं शुरू कर रहा हूँ, और जो जो काम हमने बताया उन्होंने वादा किया कि आपको लगेगा कि मैं ये काम को मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर नहीं कर पाया तो आप मेरे पास आ सकते हो, जो ऑफिसर्स काम नहीं कर रहे मैं उनके ऊपर एक्शन लूँगा, ऐसे जो ठेकेदार है जिन्होंने ये काम नहीं किया उसके ऊपर भी वो एक्शन लेने वाले, ऐसा उन्होंने हमसे वादा किया। सर, अली अकबर के अंदर थोड़ा सा ICU सिस्टम होना चाहिए, पेशेंट जो सीजर का मामला आता है वहाँ ICU सिस्टम नहीं है, वहाँ पे आप एक ICU सिस्टम है, जैसे अभी कोरोना की बात करने आता उसी में विषय था, महाराष्ट्र शासन ने और केंद्र शासन ने कोरोना की तीसरी लहर का अभी मामला जो चल रहा है, आज शहर में टाइफाइड डेंगू जैसी बीमारियां फैल चुकी है, और जब तीसरी लहर आएगी तो शहर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी से उसको कंट्रोल करना जरूरी मैं समझता हूँ। और वहाँ अली अकबर में एक गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पर ICU का इंतजाम नहीं होता सर, ICU नहीं होने की वजह से जो पेशेंट्स आते हैं डिलीवरी केसेस सर, अभी आप बीच में दो महिलाओं का वहाँ पे डेथ हो गया है ना, और उसको प्रेफर कर देते हैं धुलिया नासिक जो भी है, हमारी कॉर्पोरेशन सक्षम है सब करने के लिए, वहाँ पर ICU वार्ड होना चाहिए। आप हमें बोलिए हम ICU वार्ड के लिए हम राजेश चोपे, अभी बोलो तो अभी आपसे बात कर रहा था मैं राजेश चोपे साहब की, क्या आपको दिक्कत आ गई आप बताइए ना, इसके पहले के जो कमिश्नर थे उनसे मैंने बात किया था तो वहाँ पर एक्सरे मशीन दी थी, वो हमने भेजा वहाँ पर कमिश्नर साहब से बात करके भेजा, वहीं से साहब के मंत्रालय से बात कराया था, अगर ICU बेड नहीं है तो ICU बेड मैं 5 देने के लिए वहाँ तैयार है अली अकबर, आप वहाँ पर ICU का सिस्टम चालू करो ताकि गरीबों को वहाँ पर इलाज हो, लोग इधर उधर ना जा सके,
ये हमारी आपसे विनती है, कोरोना के पेशेंट को आईसीयू लगता है सर, और कोई लेडीज अगर प्रेग्नेंट है और डिलीवरी के अगर उसको समय लोग कोरोना हो गया, अगर वो अली अकबर में, तो उसको तो आईसीयू की जरूरत पड़ेगी। तो ये जरूरी है कि वहाँ आईसीयू बनना चाहिए। ये तो मैं तो अच्छी बात समझता हूँ कि ये यहाँ के जो नागरिक के ऑफिसर है, कॉरपोरेटर है, इनको समझना चाहिए ये गाँव अपना। आप समझे, जब तक ये सिटी को हम बोलेंगे ये हमारी सिटी है, इसकी क्या कमी है क्या ज़्यादा है ये आदमी बोलेगा नहीं, समझेगा नहीं, मालूम नहीं पड़ेगा और उसके तहत काम नहीं करेगा। मैं खुद की बात करता हूँ, तो आपने जो आईसीयू सेंटर की बात किया है, मैंने कलेक्टर साहब से एक महीना पहले माइनर आईसीयू और मेजर आईसीयू ये दोनों सैंक्शन करके 16,80,00,000 रुपये मैंने सैंक्शन कर दिया। बहुत अच्छी बात। मेरे पास वहाँ पर चार्ज था, एडिशनल चार्ज था कलेक्टर ऑफिस में, तो वहाँ पर आरटीपीसीआर लैब जो खुद का कॉरपोरेशन का है, और पैथोलॉजी लैब जो कॉरपोरेशन का है, वो भी सैंक्शन किया, उसका वर्क ऑर्डर भी दिया है। एलओ प्लांट जो 6,000 सिलेंडर जो दिक्कत आई थी कोरोना में आई थी, तो कॉरपोरेशन इंडिपेंडेंट हो जाएगा अभी ऑक्सीजन में। 6,000 सिलेंडर पर डे का कैपेसिटी का प्लांट जाफर नगर में इंस्टॉल कर रहे हैं विदिन 15 डेज। मैंने 16,80,00,000 का पूरा ये जो एमिनिटीज इस अपने सिटी के लिए मैंने सैंक्शन किया, उसमें मैंने कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं यूज़ किया, कुछ नहीं। ऊपर के जो ऑफिसर्स थे उनसे हमारे पर्सनल तालुका थे, मेरे पास चार्ज भी था, तो ये सिटी के लिए मैंने वो सैंक्शन कर दिया। दूसरी बात जो आपने बताया कि आलिया अकबर में आईसीयू यूनिट नहीं है, तो ये रिनोवेशन हम कर रहे हैं उसका, वो 17 करोड़ रुपया है उसका, 17 करोड़ उसका हम एडिशनल बिल्डिंग बना रहे हैं, उसको रिनोवेट कर रहे हैं, उसमें आईसीयू बेड लिया है जो बार बार किल्लत आते हैं नागपुर से के पेशेंट दुलिया के लिए। दुलिया इसके लिए जाता है कि अगर वो डिलीवरी के टाइम जो भी अपनी माँ बहन है उनका बीपी अगर हाई होता है, ये आईसीयू थिएटर ना होने से कारण वो पेशेंट द्वारा वहाँ जाते हैं। बोलना चाहते हैं सुनो, उसमें क्या है, उसमें ये डॉक्टर ने अपना मेडिकल ओपिनियन मुझे दिया है, मैं तो फील्ड में नहीं हूँ, तो उनकी बात मुझे मानना पड़ा। इन्हें सर उसका बीपी हाई हो जाता है, अगर इधर ऑपरेट किया कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बड़ी दिक्कत आती है, इसके लिए हम उधर शिफ्ट करते हैं। तो अभी झालकर टेंडर थे सर, कल या परसों उसका टेंडर ये वाड़िया के लिए 14 करोड़ रुपये और उसको 17 करोड़ रुपये। बहुत अच्छा, ये दोनों हॉस्पिटल हम उनको रिनोवेट कर रहे हैं, और वही हॉस्पिटल में ये जो अच्छे अच्छे एमिनिटीज हैं 16,16,50,000 रुपये जो बाहर से लाया है हमने, वो एमिनिटीज़ वहाँ पर शिफ्ट किया जाए। लैब इसके लिए लेना जरूरी है कि अगर प्राइवेट लैब में जाओगे तो कुछ ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट के लिए, अदर टेस्ट के लिए तुमको 2,000 से 2,500 रुपये लेना पड़ेगा, तो इधर हम मिनिमम चार्जेस 500-600 रुपये में टेस्ट उनको दे सकते हैं। तो उसका भी वर्क ऑर्डर कर दिया है अभी, ये तुम्हारा 10-15 दिन में उसका भी काम चल रहा है। आज ही मैं कम से कम अब पूरा टीम 1.5 घंटा वो साइट विजिट कर रहे थे कि वो लैब सेंट्रली कहाँ फिट होगा, कि दोनों साइड के पब्लिक को नज़दीक होना चाहिए, नहीं तो पेशेंट को 100-200 रुपये जाने में लगेगा, 500 रुपये वो लैब का फीस, तो क्या फायदा। नहीं तो एक सेंट्रली प्लेस हम ढूंढ के वहाँ पर लैब पर फिटिंग हो जाएगी। तो धीरे धीरे मैं ये सोच रहा हूँ, ये सिटी जो है अभी लास्ट टाइम कोरोना का हालत आप तो यही कहते, आपने देखा कि मालेगांव का शहर तो ठीक है, लेकिन आजू बाजू की जो 50 से 60 छोटे गांव विलेजेस येवला से, मनमाड़ से, नांदगांव से सब पेशेंट अपने हैं, कोई कोई पेशेंट नासिक से भी इधर शिफ्ट। तो ये जो ताल अपने मेडिकल सब सर्विस में पड़ता है, तो उसके लिए हम ये सब सिस्टम खड़ा करते हैं, तो उसका सब पूरा एंगल मैंने ख्याल में रख के कलेक्टर ऑफिस से सब सैंक्शन कर दिए। ये दो हॉस्पिटल में जब रिनोवेशन हम बंद नहीं करेंगे, पार्टली पेशेंट्स वगैरह सब जो ओपीडी हो चलेगा, डिलीवरी भी होगा, लेकिन बाद में रिनोवेशन होगा और उसका कैपेसिटी डबल होगा, आलिया अकबर का भी और वाड़िया का। वाड़िया का तो आपने देखा होगा, उसके बाजू का भी लैंड भी हम मर्ज करके और हॉस्पिटल भी बड़ा बनाए। ये रहा दूसरा, देखो मैं तो सबको बोल रहा हूँ कि मैं पहले से क्रिकेटर था, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं काम में बिलीव करता हूँ, लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते मैं उसका केयर करता नहीं। 22 साल मेरा सर्विस हुआ है, मैंने आज तक केयर किया, काम करते गया, लोगों को अच्छा लगा बुरा लगा नमस्कार। नहीं, तीसरी बात सिटी के लिए,
सिटी के लिए जैसे आपने बोला कि बजट में इतना खर्चा होगा, मैं भी बोल रहा हूँ बजट में इतना खर्चा होगा तो काम कहाँ होगा, तो वो पीछे क्या गंदगी हुआ है वो बारे में ज़्यादा बात नहीं करता। लेकिन मैंने अभी जो पिछली महासभा हुई है उसमें ईस्ट वेस्ट ये मतभेद न रखते हुए, सत्तारूढ़ विरोधक ये मतभेद न रखते हुए, मैं पूरा तीन टाइप के रोड सीसी रोड बना हुआ, जो सीसी रोड आने वाले 10 से 12 साल तक टिकेंगे वो काम हम कर, उसका सर्वे करके उसका पूरा डिटेल्स हम निकाल रहे। उसमें कोई तुम समझो कॉरपोरेटर नहीं है या अपोजिशन वाले, ये नहीं, जिधर आवाम है जिधर रास्ता चाहिए उधर रास्ता बनाएंगे। उसमें गटर का भी लो सर, गटरें बहुत टूटती है, गटर का भी लेने वाले, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो है सीसी रोड हम बना रहे। ये देखो ये गटर का भी बांध काम ही चालू है इसला हॉस्पिटल के सामने, जहाँ पे हारून अंसारी हॉस्पिटल की बात बनते बनते टूट गया सर, ये 30 लाख ये व्हाट्सएप आए थे शायद। हाँ मैंने भी किया, तो मेरा ऐसा बोलना है ऐसे जो काम चल रहे तो उनको भी ये बात दो सर, कहने का मतलब हमारा ऐसा बोलना है, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अच्छा काम करने की सोच नियत हरदम हम रखते हैं, मैं तो रखता हूँ, हम आपके साथ रहेंगे। तो मैं वही बोल रहा हूँ सबको, मैं हमारे ऑफिसर्स को भी बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, किसी को भी पूछो मेरे पीठ पीछे पूछो, तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप जैसे लोग आगे आके बोले कि साहब ये गलत है ये सही है तो आप सुनो। अभी उस दिन कोई किसी के साथ में गया रास्ता देखना, कोई अच्छा कोई चोर कोई मारसन, मैं ये नहीं देखता। वो आदमी ने बोला साहब जैसे इन्होंने बोला साहब गटर का काम में खड़ा हुआ है चल हम देखने के लिए ना, मैं ना इसमें ज़्यादा यकीन रखता हूँ ना न्यूज में रहने के, मैं काम में यकीन रखता हूँ। आपने कॉर्पोरेटर की बात कही, हमारे कॉर्पोरेटर से मालेगांव मैं नहीं जाना चाहता बस में, और मुझे किसी मीटर के बारे में भी नहीं बोलना। मैं जिस पार्टी में, मेरी पार्टी मुझे मालूम है 80% समाज कारण की पार्टी है, 20% राजकारण, हम लोग राजकारण करते नहीं। मैं इतनी देर से आपका वेट कर रहे थे, अपने जिंदाबाद मुर्दाबाद झंडे उंडे का नारा नहीं लगाया पहली से, तो हमें सब कर सकते थे, हमें सब हमको करना भी नहीं है। दूसरी बात कॉर्पोरेटर का जो सवाल है सर, कॉर्पोरेटर खुद हमारा ठेकेदार है, हम क्या उनसे तवक्के रखेंगे काम करने की, हम आपसे तवक्के रखेंगे। सुनो ना, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ तुमको 10 मिनट नहीं मिला, 15 मिनट नहीं मिला, 1 घंटा नहीं मिला, तो यहाँ का ट्रेंड है कि मुर्दाबाद करो फुल ट्रेंड है, लेकिन मैं उनमें से अच्छे लोग ढूंढ रहा हूँ।